देवघर नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास स्थित निजी क्लिनिक में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधक आरोपों को खारिज कर रहे हैं। एडमिट हुआ था क्रिटिकल पोजीशन में, तो उसके परिजन का कहना था कि हम वेंटिलेटर का खर्च वगैरह जो क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हम नहीं वहन कर पाएंगे, हमको बच्चा दीजिए, हम सदर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर का हमको जो लग रहा है प्राइमापैथी, वो तो यूनिटी ग्राउंड पर पहले देख लेंगे ना कि निकालने के कंडीशन में है या नहीं। लेकिन जब वो रिजिड हो गया, वो 10-15 मिनट का केवल डीले के कारण इन लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि काहे लेट कर रहे हैं। ये बात तो सच है कि वेंटिलेटर से निकलते बच्चा डेथ कर गया, और बस इन लोग को समझा बुझा के जा रहा है। बोला नहीं, हम बच्चे को ले जाएंगे, तो हम लोगों ने इनसे लिखवाया हुआ है कि यहाँ से जाने के बाद किसी भी समय बच्चे की मौत हो सकती है। उस पर तीन तीन गार्जियन, जो इनके तीनों गार्जियन थे, तीनों गार्जियन ने दस्तखत किया हुआ है। दस्तखत करने के बाद ये बोले, मैं इनको बोला कि आप कहीं से ले जाने का क्या इंतजाम है, बोला आप हमको बच्चा दे दीजिए। तो हम लोगों ने इनको बोला कि ठीक है, आप एम्बुलेंस इंतजाम कर लीजिए, हम लोग ऊपर से नीचे बच्चा ला करके आपको देते हैं। कंपाउंडर ऊपर से ला करके नीचे इनको बच्चा दिया हुआ है। बच्चा जो कि वेंटिलेटर पर था, तो यहाँ आने के बाद भी बच्चा इनका मर गया है। तो जब बच्चा इनका मर गया है, ये सब जानते हैं कि वेंटिलेटर से हटाने के बाद बच्चा मर जाएगा, उसके बाद ये लोग यहाँ पे हो हंगामा किए हैं, अंदर में कुछ तोड़फोड़ भी किए हैं, सबका हमारे पास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।